गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पहला चैप्टर कक्कू कविता का प्रश्न अभ्यास और पाठ का अध्ययन किया। आज हम सेखी बाज मक्खी सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे, है ना। आप सभी लोगों ने जंगल तो देखा ही होगा। जंगल में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी होते हैं और उस पशु पक्षी का एक राजा भी होता है। कौन होता है? राजा। और राजा कौन है? शेर, है ना। आप सभी को पता है कि जंगल का राजा शेर होता है। सभी जानवर उससे डरते हैं। तो आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जो जंगल के राजा को भी परेशान करता है, है ना। वो है एक छोटी सी मक्खी। इस कहानी को लिखा है योगेश जोशी जी ने। तो आज हम पढ़ेंगे सेखी बाज मक्खी। तो बच्चों देखो, एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। देखो, इस कहानी में बताया गया है कि एक जंगल था और उसमें एक शेर खाना खा के। शेर क्या खाता है? आप सभी को पता है शेर कच्चा मांस खाता है, जानवरों को मार कर खाता है। तो वो भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। जंगल में एक मक्खी थी जो उड़कर शेर के पास आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, है ना। जानवरों का क्या होता है, कभी नहाते हैं कभी नहीं नहाते। तो शेर जो है 2-3 दिन से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। सभी बच्चों को पता है कि जहाँ पर गंदगी होती है वहीं पर ही मक्खियाँ ज़्यादा दिखती हैं। तुम्हारे आसपास जहाँ गंदगी होगा देखा होगा कि वहाँ पर मक्खी भिन भिन करती हुई दिखती है। तो जंगल का राजा शेर जो है नहाया नहीं था, इसीलिए वो मक्खी जो है उसके कान के पास जाकर आवाज़ करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर जो है बहुत मुश्किल से सोया था। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। देखो, मक्खी जाकर शेर के कान के पास आवाज़ करने लगी। आवाज़ करने पर शेर ने अपना हाँ पंजा उठाया, उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी उड़ जाती। फिर उसके बाद फिर से वो शेर के कान के पास भिन भिन करके आवाज़ करती, तो जिससे शेर को बहुत गुस्सा आया, है ना। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूँगा। शेर बहुत गुस्सा हो गया और मक्खी को दूर हटने के लिए कहा। अगर वो दूर नहीं हटेगी तो उसको मार डालने के लिए भी शेर ने कहा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुँह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? तो मक्खी को देखकर शेर जो बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा होने पर, और उसको मारने की कोशिश करने लगा। तो मक्खी ने उसको और भड़काने की कोशिश की और कहा कि कहीं शेर को ऐसी बातें शोभा देती है? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। देखो बच्चों, जो भी सोया रहता है अगर उसको हम नींद से जगाएंगे तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है। उसी प्रकार शेर भी खाना खा के आराम कर रहा था। आराम करने पर अगर उसको कोई जगाएगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं? तो मक्खी के जगाने पर उसको बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम मुझे सोने नहीं दे रही हो और मैं भागने के लिए बोल रहा हूँ तो मुझे जवाब दे रही हो। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी बहुत ही घमंडी थी और शेर को वो और गुस्सा दिला रही थी और बोल रही थी, क्या मैं तुमसे डरती हूँ? अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते तो आ जाओ, मैं भी तुमसे लड़ सकती हूँ। मक्खी को अपने आप पर बहुत घमंड था। शेर आग बबूला हो उठा, उसके कान के पास पंजा मारा।
शेर जो है मक्खी की आवाज़ को और उसकी बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो गया और अपने कान पर बैठे हुए मक्खी को भगाने के लिए पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया, है ना बच्चों। तो शेर के बड़े बड़े नाखून होते हैं, जैसे ही उसने अपने कान पर पंजा मारा उसका कान जो है छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। बड़े बड़े पंजों के कारण जहाँ पर मक्खी बैठती वहाँ पर शेर जो है पंजा मारता और पंजा मारने पर मक्खी तो उड़ जाती लेकिन शेर का शरीर जो है छिल जाता। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर, है ना, सब जगह उस वो बैठती और शेर जो अपने आप को उस मक्खी को अपने शरीर से भगाने के लिए पंजा से अपने शरीर को घायल करता जाता। शेर पंजा मारता खुद को घायल करता जाता तो मक्खी फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया, वो बोला मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती बस। अंत में क्या होता है, शेर जो है थक जाता है और उदास हो जाता है और कहता है कि तुम जीत गई मैं हार गया। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी बहुत खुश हो गई कि मैंने जंगल के राजा को हरा दिया, तो वह बहुत ही घमंड हो गया उसके में और वह आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला, मक्खी ने कहा अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे, है ना। देखो जैसे ही वह आगे बढ़ा रास्ते में उसको हाथी मिला और हाथी को बोला कि तुम मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा को हरा दिया है इसलिए मैं आज से मेरा ही राज चलेगा। हाथी ने सोचा अगर इस पागल मक्खी को बहस करने से क्या मतलब, और वह समय बर्बाद करना नहीं चाहता था। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया, आगे बढ़ गया। सामने आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा, लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैं जंगल के राजा शेर को और विशाल खाए हाथी को हरा दिया। हाथी ने जैसे उसको प्रणाम किया और आगे चलने लगा। सामने आ रही लोमड़ी को वह देखा, लोमड़ी जो है मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा अरे लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने हाथी और जंगल के राजा को हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया फिर धीरे से बोली धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, इसकी जरा खबर लो। लोमड़ी जो है बहुत चालाक होती है, सबको पता है ना। तो मक्खी जब हाथी को प्रणाम करने के लिए बोल रही थी तभी हाथी और मक्खी की बातों को लोमड़ी ने सुन लिया था और मक्खी को मजा चखाने के लिए उसने एक उपाय सोचा और उसको बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे माता पिता अच्छे हैं जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुम मक्खी की रानी हो करके उसको बहुत ही उसको बढ़ा चढ़ा कर बोला और उसको कहा वो सामने जो मकड़ी दिखाई दे रही ना वो आपको गाली दे रही है। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली उस मकड़ी को मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। मक्खी तो अपने घमंड में चूर थी, उसको पता नहीं था कि मकड़ी के जाले में कोई भी कीड़े मकोड़े अगर जाएं तो वो फंस जाते हैं। तो वो बोली कि मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूँगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती त्यों त्यों और अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देख लोमड़ी मन मन मुस्काती हुई वहाँ से चलती बनी। देखो कैसे घमंडी मक्खी का अंत हो गया। वह लोमड़ी के कहने पर मक्खी को वो सबक सिखाने के लिए गई और जैसे ही उसके जाल में जाती गई, जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे फंसती गई। अंत में मक्खी जो है
मकड़ी के जाल में फंस गई और वह मर गई। तो और लोमड़ी जो है मुस्कुराने लगी, जिससे एक घमंडी मक्खी का अंत हो गया। तो बच्चों, कभी भी हमको घमंड नहीं करना चाहिए।